तो नागरिकता संशोधन कानून के हर पक्ष को जनता तक ले जाने के लिए देश भर में बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। अब हरियाणा बीजेपी भी प्रदेश में जन जागरण अभियान के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सरकार लगातार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए आम जनता से जनसंपर्क कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। केवल कुछ लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, छीनने का नहीं है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैं डॉक्टर साहब से जाकर बात करेंगे ताकि आप लोगों को बता सके। सीएम मनोहर लाल के साथ शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी मौजूद रहे। पंचकुला में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर सीएम ने लोगों को सीएए के बारे में जागरूक किया। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये किसी की नागरिकता समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे पीड़ित बंधुओं को जो अपना सम्मान की बचाने से बांग्लादेश से भारतवर्ष में आए हैं, ऐसे जो वहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ भले वो मेजोरिटी हिस्सा है वो, लेकिन वहाँ तो अल्पसंख्यक ही है, तो ऐसे अल्पसंख्यकों को वहाँ से जो अपमानित करते हुए उनको यहाँ आना पड़ रहा है, तो उनको आश्रय स्थल मिल जाए तो उनके लिए। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जनसंपर्क के दौरान सीएम ने कहा सीएए पर विपक्षी दल झूठ का सहारा लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इतिहास में आखिर मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेता थे ना, मनमोहन सिंह ने खुद इसको सपोर्ट किया था कि बाहर से आने वाले जो ऐसे लोग हैं उनको सम्मान, उनको नागरिकता दी जाए, तो विधानसभा लोकसभा में जो उनका वक्तव्य है छुपा हुआ तो नहीं है। तो आज से पहले राजीव गांधी ने स्वयं कमेटी बनाने का ऐलान किया था कि हम लोग ऐसे आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करें। गलत बात है कि उन्होंने घोषणा करने के बाद 2014 तक तो कमेटी बनी नहीं। रविवार से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। 5 से 12 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान की सफलता के लिए बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता गांव से लेकर शहरों में डोर टू डोर अभियान चलाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जागरूक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।